स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चिकन बिरयानी कैसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हल्दी और नमक से चिकन को मिला लेंगे, उसके बाद गरम तेल में इसे रखेंगे, अच्छी तरह से चलाकर इसे फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं ये फ्राई होकर थोड़ा थोड़ा लाल हो चुका है, और इसे चलाते रहे ताकि ये जले नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग हल्दी, धनिया, मिर्चा और जीरा मरीच और लहसुन और नमक इसे कढ़ाई में रखकर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब देख सकते हैं और ये मसाला पूरी तरह से बन चुका है। अब हम लोग इसमें चिकन को डालेंगे। चिकन को डालने के बाद इसमें प्याज, दही और गरम मसाला, तेज़पत्ता को रखेंगे इसमें, और इसे अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। उसके बाद पूरी तरह इसको मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोग चलते हैं पुलाव की तरफ। चावल को रिफाइन के साथ मिलाकर अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह पुलाव बनाएंगे। अब दोस्तों आप दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मीट है वो बन चुका है। अब हम लोग आगे का प्रक्रिया करेंगे। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें रंग को थोड़ा पानी से मिला लेंगे, और इस पर थोड़ा थोड़ा रंग चारों तरफ डालकर टमाटर डालकर, देख सकते हैं चारों तरफ से टमाटर डाल दिया गया है। अब इसमें प्याज रखेंगे चारों तरफ, हरा मिर्चा है, धनिया का पत्ता भी रखेंगे इसमें, और देख सकते हैं दोस्तों ये। इसके बाद मीट को कढ़ाई से निकाल कर और इसे पुलाव के अंदर डालेंगे। कढ़ाई से पुलाव को थोड़ा बाहर से निकाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा मीट को रखेंगे। अब देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह मीट को रखा जा रहा है। उसके बाद फिर ऊपर से पुलाव को डाल दिया जा रहा है। उसके बाद फिर ऊपर से मीट को रखा जा रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों मीट रखने के बाद उसके ऊपर पुलाव को रख देंगे। अब ये लगभग चिकन बिरयानी तैयार हो चुका है। उसके ऊपर थोड़ा सा टमाटर और प्याज को डाल देंगे, और इस तरह से चिकन बिरयानी तैयार हो चुका है।